मालगाड़ी हादसे के बाद हादसे वाली जगह पर सेल्फी लेने पहुंचे युवक की मौत। सेल्फी के चक्कर में गई एक युवक की जान, दूसरा बुरी तरह झुलसा। कोयला ले जा रही मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद युवक पहुंचे थे हादसे वाली जगह पर सेल्फी लेने। देखिए कैसे लेने पहुंचे थे सेल्फी और हो गई मौत। आपने अक्सर सेल्फी लेने के चक्कर में हुई मौत के बारे में सुना होगा। सेल्फी लेने की दीवानगी में लोगों की मौत तक हो जाती है। ऐसा ही एक मामला बिहार से सामने आया है, जहां एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद दो युवक हादसे वाली जगह पर सेल्फी लेने पहुंचे थे, जहां एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। बिहार में एक मालगाड़ी एनटीपीसी के लिए कोयला लेकर जा रही थी, जो रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में मालगाड़ी के 8 डब्बे बेपटरी होकर पूरी तरह तहस नहस हो गए। ये घटना बिहार के नालंदा जिले के एकंगर सराय रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को हुई थी। मालगाड़ी के बेपटरी हो जाने के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास के इलाके के युवक घटनास्थल पर पहुंचकर सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान कई युवक दुर्घटना के शिकार हुई मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए, जहां एक युवक ने मोबाइल निकाला और सेल्फी लेने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर किया, उसका हाथ ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पास खड़ा एक दूसरा युवक बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। एक एक कर मालगाड़ी पर चढ़े सभी युवक कूद कूद कर भागने लगे। ट्रेन पलटने के बाद वहाँ पे ऊपर बहुत सारा लोग थे, वहाँ पे ट्रेन के ऊपर अचानक से लाइन आया और एक दो लड़का का बिजली से मतलब झटका लगा और दो वहीं पे गिर गया, बाकी लोग सब लोग भाग गए। मैंने क्या कर रहा था लोग ऊपर, क्या मैंने कैसे चढ़ा ऊपर, सभी लोग मतलब ऊपर जाके फोटो ले रहा था और सेल्फी ले रहा। सेल्फी के चक्कर में आए दिन लोग हादसों के शिकार होते हैं। बावजूद इसके लोग इन हादसों से सबक लेने की बजाय खतरनाक सेल्फी लेने के चक्कर में पागल हो जाते हैं और अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। सेल्फी के पागलपन ने आज एक 16 वर्षीय युवक सूरज कुमार की जान ले ली। जरूरत है इन हादसों से सबक लेने की और अपने आप को सुरक्षित करने की। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या एक सेल्फी के लिए इतना खतरा उठाना ठीक है? नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऋषिकेश, न्यूज़ लाइफ, नालंदा।